नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज हम बात करेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण की दिशा में बढ़ते हुए आज घोषणा की है कि धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275% की वृद्धि करते हुए इसके अधीन 73,000 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 2,00,000 एकड़ किया जाएगा। इससे 218 मिलियन क्यूबिक पानी की बचत होगी और इसके लिए मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी का प्रावधान भी किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल की जल संरक्षण की दिशा में पहल। वाटर कॉन्क्लेव 2023 का 2 दिवसीय आयोजन। जल संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार की प्लानिंग। हरियाणा जल अमृत क्रांति संगोष्ठी का आयोजन। सीएम ने किया अमृत जल क्रांति का शुभारंभ। धान की सीधी बिजाई के लिए क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला। 73,000 एकड़ क्षेत्र को 2,00,000 एकड़ बढ़ाने का लिया फैसला। धान की सीधी बिजाई से बिजली पानी की होगी बचत। राज्य सरकार ने खारे पानी वाले क्षेत्रों में बदलाव का किया फैसला। 1,00,000 एकड़ लवणीय भूमि के सुधार करने का रखा लक्ष्य। हरियाणा की अमृत जल क्रांति से 9,500 जल स्रोतों का होगा जीर्णोद्धार। 5,308 तालाब, 63 चेकडैम, 81 उथले ट्यूबवेल, 4,000 रिचार्ज बोरवेल शामिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को पंचकुला में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी के दूसरे दिन समापन सत्र में कहा कि प्राकृतिक खेती के तहत 300% से अधिक की वृद्धि करके इसके अधीन 6,000 एकड़ क्षेत्र में 25,000 एकड़ क्षेत्र को लाया जाएगा। इस प्रयास से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसके अलावा सीएम ने ये भी घोषणा की कि अगले 2 वर्षों में 9,500 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें 5,308 तालाब, 63 चेक डैम, 81 उथले ट्यूबवेल और 4,000 रिचार्ज बोरवेल शामिल हैं। हमारे थर्मल प्लांट हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उसमें जो कूलिंग टावर्स हैं उसमें पानी का उपयोग होता है। खास करके यमुनानगर और जो हमारा चरखी दादरी के जो प्लांट है, इन्होंने तो उसको स्वीकार कर लिया है कि आगे पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसी की सप्लाई करेंगे और 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी वो सारा पानी जो है वहाँ भेज करके और ये उस पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर इन चीज़ों को करने में अगर हम ठान लेते हैं तो कठिन नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट अपना काम करें, बजट की बात आती है तो निश्चित रूप से ये काम ऐसा है कि कोई भी, हम अपना बजट तो खैर लगा ही रहे हैं लेकिन अतिरिक्त एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज हैं, कुछ अन्य एनजीओज हैं, अन्य कोई सीएसआर में से भी हम इसका बड़ा पैसा लेकर के खर्च कर सकते हैं, तो ये सब करेंगे ही। बड़ा फैक्टर इसमें आईसी के माध्यम से जन जागरण पैदा करना और जनता की भागीदारी। अगर हम जनता की भागीदारी करते हैं तो अभी आज सिस्टम थोड़ा सा गवर्नमेंट के इर्द गिर्द सब खड़े हो गए, वरना जब मैं छोटा जब था तो हमें पता है कि हमारे यानी गाँव के अंदर जब ये वाटर कोर्स से जो खाड़ जिसको बोलते हैं इसकी सफाई या जो माइनर है उसकी सफाई करने के लिए भी हर घर से एक व्यक्ति, उनका एक निश्चित होता था यहाँ से यहाँ तक इस गांव ने करना है, यहाँ से यहाँ तक इस गांव ने करना है। हर गांव हर घर का एक व्यक्ति जा करके काम करके आता था और कई बार तो एक दिन के बजाय दो दो दिन तीन तीन दिन जाते थे। पूरा जब साफ हो जाता था तब जा करके उसमें पानी छोड़ा जाता था। कोई भी योजना बनाए, लोगों की भागीदारी ये बहुत ज़रूरी है। जन भागीदारी से ओनरशिप भी आती है, लोगों को उनके साथ अपनत्व जुड़ता है कि ये चीज़ हमारी है, हमने की है, और उसकी फिर बाद में रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी वो लेते हैं। अन्यथा अगर चीज़ उनकी अपनत्व की भावना नहीं जुड़ी, ओनरशिप नहीं आई, तो बनाने के बाद भी उसका रखरखाव नहीं किया तो उतना जल्दी वो फिर ख़राब भी होती है, डैमेज भी होती है। तो उसका एक लंबा एक प्रभाव करने के लिए हमको ये सारे काम करने पड़ेंगे। मैं तो कुल मिलाकर के यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा एक एफर्ट, एक प्रयत्न आज ये हुआ है। इसमें सब लोग, जितनी चर्चा हुई है उसमें से एक उत्साह लेकर के सब जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने तरीके से
जो जो आपके मन में आ, हमारे जो रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम और ये शैलो टीएल, तो इनकी संख्या अभी तक 1600-1700 ही संख्या है, तो इस संख्या को बढ़ा करके और 9500 संख्या अगले 2 साल में करने की बात है। इसमें अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने, चाहे वो पौंड हैं, चाहे वो रिचार्जिंग सेंटर्स हैं, चेक डैम्स हैं, इनको बनाने के 9500 का कुल टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को हम पूरा करते हैं तो रिचार्जिंग का एक बहुत बड़ा काम, ये जो हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग के रिचार्जिंग जो उनके बिल्डिंग्स के साथ जुड़े हुए यूनिट्स हैं उससे अलग है, ये तो ओपन में जितने इस प्रकार का एक नई विधि जो अभी बताई है इन्होंने, जो हमारा पंजाब का क्या सिचेवाल, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ये कि बिना पाइप के केवल खड्डा खोद करके रेत भर के करेंगे, उससे कॉस्ट बहुत कम आएगी और इसमें हर खेत में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ बना सकते हैं, उसकी कठिनाई नहीं आएगी, इस पर ज़रूर विचार करें ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार इंडस्ट्री में HSIDC ने भी जो एक विचार किया, यहाँ के वेस्ट वाटर जो है इसको 31 जो हमारी एस्टेट्स हैं HSIDC की, 18 के अंदर केवल रिसाइकल्ड वाटर जो है इसको, ट्रीटेड वाटर को यूज़ करेंगे, और इंडस्ट्री का बहुत बड़ी खपत होती है पानी की, इसके लिए भी इनको अपना प्रयत्न करना है बहुत। और IMT सोना, IMT खरखोदा, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, इसको ZLD इसको बनाएंगे, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ताकि वहाँ का पानी जो है अंदर ही यूज़ हो जाए, उसको ट्रीट करके और इंडस्ट्री में काम करें, जितना फ्रेश आवश्यकता हो उतना एक्स्ट्रा उनको दिया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग ULB यानी बिल्डिंग्स में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसकी भी अब संख्या बढ़ाने के लिए जो एक मन बना है, एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए एक वहाँ तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स में ही इन चीज़ों को डाल करके हम उसको करा सकते हैं, कम से कम नई कंस्ट्रक्शन जहाँ हो उसके लिए डबल पाइपलाइन का जो सिस्टम है, इसके लिए भी इन्होंने विचार किया है। ये भी एक बहुत अच्छा ट्विन पाइपलाइन जिसको कहा, HSVP के सेक्टर्स में और जो लाइसेंस्ड कॉलोनीज हैं उनमें सब में ये व्यवस्था की जाएगी, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अर्बन पॉन्ड्स, अभी तो पॉन्ड अथॉरिटी ज़्यादातर जो रूरल पॉन्ड्स हैं उसी पर काम कर रही है, लेकिन इसमें 250 अर्बन पॉन्ड्स हैं उनको भी रिजुविनेट किया जाएगा अगले 2 साल के अंदर डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। फिशरीज ने भी अपना फिशरीज का प्रोग्राम और आगे कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक श्रिम्प कल्चर के जो खास करके सिरसा जिला में जो प्रोडक्शन है वो 5000 एकड़ में करेंगे, अभी 2500 एकड़ में है, इसको डबल किया जाएगा, ताकि इसमें भी जो हमारा तो सेलाइन वाटर का उपयोग जो इस मछली पालन के उपयोग में ये आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खारे पानी वाले क्षेत्रों में 1,00,000 एकड़ लवणीय भूमि के सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी प्राप्ति के लिए कार्य में तेजी लाने के लिए कृषि विभाग केंद्रीय लवणीय मृदा सुधार संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा और अगले 3 महीनों में अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। इस कार्य के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, यदि सब्सिडी का प्रावधान करना होगा तो वो भी किया जाएगा। CM ने कहा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना का राज्य के 14 जिलों में विस्तार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। पहले चरण में पंचवर्षीय योजना के तहत 700 करोड़ का बजट मिला था। दूसरे चरण में भी विश्व बैंक की ओर से लगभग 700 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया। हमारे जो रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम और ये शैलो टीएल, तो इनकी संख्या अभी तक 1600-1700 ही संख्या है, तो इस संख्या को बढ़ा करके और 9500 संख्या अगले 2 साल में करने की बात है। इसमें अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने, चाहे वो पौंड हैं, चाहे वो रिचार्जिंग सेंटर्स हैं, चेक डैम्स हैं, इनको बनाने के 9500 का कुल टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को हम पूरा करते हैं तो रिचार्जिंग का एक बहुत बड़ा काम, ये जो हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग के रिचार्जिंग जो उनके बिल्डिंग्स के साथ जुड़े हुए यूनिट्स हैं उससे अलग है, ये तो ओपन में जितने इस प्रकार का एक नई विधि जो अभी बताई है इन्होंने, जो हमारा पंजाब का क्या सिचेवाल, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ये कि बिना पाइप के केवल खड्डा खोद करके रेत भर के करेंगे, उससे कॉस्ट बहुत कम आएगी और इसमें हर खेत में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ बना सकते हैं, उसकी कठिनाई नहीं आएगी, इस पर ज़रूर विचार करें ऐसा मेरा मानना है।
इसी प्रकार इंडस्ट्री में HSIDC ने भी जो एक विचार किया, यहाँ के वेस्ट वाटर जो है इसको 31 जो हमारी एस्टेट्स हैं HSIDC की, 18 के अंदर केवल रिसाइकल्ड वाटर जो है इसको ट्रीटेड वाटर को यूज़ करेंगे, और इंडस्ट्री का बहुत बड़ी खपत होती है पानी की, इसके लिए भी इनको अपना प्रयत्न करना है बहुत। और IMT सोना, IMT खरखोदा, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, इसको ZLD इसको बनाएंगे, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ताकि वहाँ का पानी जो है अंदर ही यूज़ हो जाए, उसको ट्रीट करके और इंडस्ट्री में काम करें, जितना फ्रेश आवश्यकता हो उतना एक्स्ट्रा उनको दिया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग, ULB यानी बिल्डिंग्स में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसकी भी अब संख्या बढ़ाने के लिए जो एक मन बना है, एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए एक वहाँ तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स में ही इन चीज़ों को डाल करके हम उसको करा सकते हैं। कम से कम नई कंस्ट्रक्शन जहाँ हो उसके लिए डबल पाइपलाइन का जो सिस्टम है, इसके लिए भी इन्होंने विचार किया है। ये भी एक बहुत अच्छा ट्विन पाइपलाइन जिसको कहा, HSEP के सेक्टर्स में और जो लाइसेंस्ड कॉलोनीज हैं उनमें। इससे राज्य का जल भराव का 90% क्षेत्र कवर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में पानी की 50% मांग को STP के ट्रीटेड वेस्ट वाटर की ओर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कृषि की जरूरतों के लिए 75 STP के पानी का उपयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगले 2 वर्षों में 31 HSIIDC संपदाओं में से 18 में उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनः उपयोग किया जाएगा। हमारे जो रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम और ये शैलो टीएल, तो इनकी संख्या अभी तक 1600-1700 ही संख्या है, तो इस संख्या को बढ़ा करके और 9500 संख्या अगले 2 साल में करने की बात है। इसमें अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने, चाहे वो पौंड हैं, चाहे वो रिचार्जिंग सेंटर्स हैं, चेक डैम्स हैं, इनको बनाने के 9500 का कुल टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को हम पूरा करते हैं तो रिचार्जिंग का एक बहुत बड़ा काम, ये जो हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग की रिचार्जिंग जो उनके बिल्डिंग्स के साथ जुड़े हुए यूनिट्स हैं उससे अलग है, ये तो ओपन में जितने इस प्रकार का एक नई विधि जो अभी बताई है इन्होंने, जो हमारा पंजाब का क्या सिचेवाल, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ये, कि बिना पाइप के केवल खड्डा खोद करके रेत भर के करेंगे, उससे कॉस्ट बहुत कम आएगी, और इसमें हर खेत में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ हम बना सकते हैं, उसकी कठिनाई नहीं आएगी, इस पर ज़रूर विचार करें, ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार इंडस्ट्री में HSIDC ने भी जो एक विचार किया, यहाँ के वेस्ट वाटर जो है इसको 31 जो हमारी एस्टेट्स हैं HSIDC की, 18 के अंदर केवल रिसाइकल्ड वाटर जो है इसको ट्रीटेड वाटर को यूज़ करेंगे, और इंडस्ट्री का बहुत बड़ी खपत होती है पानी की, इसके लिए भी इनको अपना प्रयत्न करना है बहुत। और IMT सोना, IMT खरखोदा, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, इसको ZLD इसको बनाएंगे, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ताकि वहाँ का पानी जो है अंदर ही यूज़ हो जाए, उसको ट्रीट करके और इंडस्ट्री में काम करें, जितना फ्रेश आवश्यकता हो उतना एक्स्ट्रा उनको दिया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग, ULB यानी बिल्डिंग्स में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसकी भी अब संख्या बढ़ाने के लिए जो एक मन बना है, एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए एक वहाँ तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स में ही इन चीज़ों को डाल करके हम उसको करा सकते हैं। कम से कम नई कंस्ट्रक्शन जहाँ हो उसके लिए डबल पाइपलाइन का जो सिस्टम है, इसके लिए भी इन्होंने विचार किया है। ये भी एक बहुत अच्छा ट्विन पाइपलाइन जिसको कहा, HSEP के सेक्टर्स में और जो लाइसेंस्ड कॉलोनीज हैं उनमें सब में ये व्यवस्था की जाएगी, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अर्बन पॉन्ड्स, अभी तो पॉन्ड अथॉरिटी ज़्यादातर जो रूरल पॉन्ड्स हैं उसी पर काम कर रही है, लेकिन इसमें 250 अर्बन पॉन्ड्स हैं उनको भी रिजुविनेट किया जाएगा अगले 2 साल के अंदर डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। फिशरीज ने भी अपना फिशरीज का प्रोग्राम और आगे कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक श्रिम्प कल्चर के जो खास करके सिरसा जिला में जो प्रोडक्शन है वो 5,000 एकड़ में करेंगे, अभी 2,500 एकड़ में है, इसको डबल किया जाएगा, ताकि इसमें भी जो हमारा तो सेलाइन वाटर का उपयोग जो इस मछली पालन के उपयोग में ही आ सके। हमारे थर्मल प्लांट हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें जो कूलिंग टावर्स हैं उसमें पानी का उपयोग होता है, खास करके यमुनानगर और जो हमारा चरखी दादरी के जो प्लांट है, इन्होंने तो
उसको स्वीकार कर लिया है कि आगे पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसी की सप्लाई करेंगे, और 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हाँ वो सारा पानी जो है वहाँ भेज करके और ये उस पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर इन चीज़ों को करने में अगर हम ठान लेते हैं तो कठिन नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट अपना काम करें, बजट की बात आती है तो निश्चित रूप से ये काम ऐसा है कि कोई भी, हम अपना बजट तो खैर लगा ही रहे हैं लेकिन अतिरिक्त एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज हैं, कुछ अन्य एनजीओज हैं, अन्य कोई सीएसआर में से भी हम इसका बड़ा पैसा लेकर के खर्च कर सकते हैं, तो ये सब करेंगे ही। बड़ा फैक्टर इसमें आईसी के माध्यम से जन जागरण पैदा करना और जनता की भागीदारी। अगर हम जनता की भागीदारी करते हैं तो अभी आज सिस्टम थोड़ा सा गवर्नमेंट के इर्द गिर्द सब खड़े हो गए, वरना जब मैं छोटा जब था तो हमें पता है कि हमारे यानी गाँव के अंदर जब ये वाटर कोर्स से जो खाड़ जिसको बोलते हैं इसकी सफाई। साथ ही सीएम ने कहा कि एसटीपी का 50% ही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम 100% तक लेकर जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का बड़ा उपयोग उद्योग क्षेत्र में होता है, इसलिए सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है जिसके तहत आईएमटी सोहना, आईएमटी खरखौदा और ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी जेएलडी लागू करेंगे। मत्स्य पालन के तहत भी क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। अभी 2500 एकड़ में मत्स्य पालन किया जा रहा है जिसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे जो रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम और ये शैलो ट्यूबवेल, तो इनकी संख्या अभी तक 1600-1700 ही संख्या है, तो इस संख्या को बढ़ा करके और 9500 संख्या अगले 2 साल में करने की बात है। इसमें अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने, चाहे वो पौंड हैं, चाहे वो रिचार्जिंग सेंटर्स हैं, चेक डैम्स हैं, इनको बनाने के 9500 का कुल टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को हम पूरा करते हैं तो रिचार्जिंग का एक बहुत बड़ा काम, ये जो हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग की रिचार्जिंग जो उनके बिल्डिंग्स के साथ जुड़े हुए यूनिट्स हैं उससे अलग है, ये तो ओपन में जितने इस प्रकार का एक नई विधि जो अभी बताई है इन्होंने, जो हमारा पंजाब का क्या सिचेवाल, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ये कि बिना पाइप के केवल खड्डा खोद करके रेत भर के करेंगे, उससे कॉस्ट बहुत कम आएगी और इसमें हर खेत में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ बना सकते हैं, उसकी कठिनाई नहीं आएगी, इस पर ज़रूर विचार करें ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार इंडस्ट्री में HSIDC ने भी जो एक विचार किया, यहाँ के वेस्ट वाटर जो है इसको 31 जो हमारी एस्टेट्स हैं HSIDC की, 18 के अंदर केवल रिसाइकल्ड वाटर जो है इसको ट्रीटेड वाटर को यूज़ करेंगे, और इंडस्ट्री का बहुत बड़ी खपत होती है पानी की, इसके लिए भी इनको अपना प्रयत्न करना है बहुत। और IMT सोना, IMT खरखोदा, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, इसको ZLD इसको बनाएंगे, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ताकि वहाँ का पानी जो है अंदर ही यूज़ हो जाए, उसको ट्रीट करके और इंडस्ट्री में काम करें, जितना फ्रेश आवश्यकता हो उतना एक्स्ट्रा उनको दिया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग ULB यानी बिल्डिंग्स में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसकी भी अब संख्या बढ़ाने के लिए जो एक मन बना है, एक बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए एक वहाँ तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स में ही इन चीज़ों को डाल करके हम उसको करा सकते हैं। कम से कम नई कंस्ट्रक्शन जहाँ हो उसके लिए डबल पाइपलाइन का जो सिस्टम है इसके लिए भी इन्होंने विचार किया है, ये भी एक बहुत अच्छा ट्विन पाइपलाइन जिसको कहा, HSVP के सेक्टर्स में और जो लाइसेंस्ड कॉलोनीज़ हैं उनमें सब में ये व्यवस्था की जाएगी, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अर्बन पॉन्ड्स, अभी तो पॉन्ड अथॉरिटी ज़्यादातर जो रूरल पॉन्ड्स हैं उसी पर काम कर रही है, लेकिन इसमें 250 अर्बन पॉन्ड्स हैं उनको भी रिजुविनेट किया जाएगा अगले 2 साल के अंदर डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। फिशरीज ने भी अपना फिशरीज का प्रोग्राम और आगे कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक श्रिम्प कल्चर के जो खास करके सिरसा जिला में जो प्रोडक्शन है वो 5000 एकड़ में करेंगे, अभी 2500 एकड़ में हैं, इसको डबल किया जाएगा ताकि इसमें भी जो हमारा तो सेलाइन वाटर का उपयोग जो इस मछली पालन के उपयोग में ही आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग अगले 3 महीनों में यमुनानगर, पानीपत, हिसार और झज्जर बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग करने के लिए परियोजना की DPR तैयार करेगा।
आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर के उपयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा। अगले 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत 250 से अधिक शहरी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी लाइसेंस शुदा कॉलोनियों, HSVP सेक्टरों में माइक्रो STP और दोहरी पाइपलाइनों की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग सभी शहरी क्षेत्रों के पार्कों और हरित क्षेत्रों में किया जाएगा। हमारे थर्मल प्लांट हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उसमें जो कूलिंग टावर्स हैं, उसमें पानी का उपयोग होता है। खास करके यमुनानगर और जो हमारा चरखी दादरी के जो प्लांट है, इन्होंने तो उसको स्वीकार कर लिया है कि आगे पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसी की सप्लाई करेंगे और 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी वो सारा पानी जो है वहाँ भेज करके और ये उस पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर इन चीज़ों को करने में अगर हम ठान लेते हैं तो कठिन नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट अपना काम करें, बजट की बात आती है तो निश्चित रूप से ये काम ऐसा है कि कोई भी, हम अपना बजट तो खैर लगा ही रहे हैं लेकिन अतिरिक्त एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज हैं, कुछ अन्य NGOs हैं, अन्य कोई CSR में से भी हम इसका बड़ा पैसा लेकर के खर्च कर सकते हैं, तो ये सब करेंगे ही। बड़ा फैक्टर इसमें IEC के माध्यम से जन जागरण पैदा करना और जनता की भागीदारी। अगर हम जनता की भागीदारी करते हैं तो अभी आज सिस्टम थोड़ा सा गवर्नमेंट के इर्द गिर्द सब खड़े हो गए, वरना जब मैं छोटा जब था तो हमें पता है कि हमारे यानी गाँव के अंदर जब ये वाटर कोर्स से जो खाड़ जिसको बोलते हैं इसकी सफाई या जो माइनर है उसकी सफाई करने के लिए भी हर घर से एक व्यक्ति, उनका एक निश्चित होता था यहाँ से यहाँ तक इस गांव ने करना है, यहाँ से यहाँ तक इस गांव ने करना है। हर गांव हर घर का एक व्यक्ति जाकर के काम करके आता था और कई बार तो एक दिन के बजाय दो दो दिन तीन तीन दिन जाते थे। पूरा जब साफ हो जाता था तब जा करके उसमें पानी छोड़ा जाता था। कोई भी योजना बनाए, लोगों की भागीदारी ये बहुत ज़रूरी है। जन भागीदारी से ओनरशिप भी आती है, लोगों को उनके साथ अपनत्व जुड़ता है कि ये चीज़ हमारी है, हमने की है, और उसकी फिर बाद में रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी वो लेते हैं। अन्यथा अगर चीज़ उनकी अपनत्व की भावना नहीं जुड़ी, ओनरशिप नहीं आई, तो बनाने के बाद भी उसका रखरखाव नहीं किया तो उतना जल्दी वो फिर खराब भी होती है, डैमेज भी होती है। तो उसका एक लंबा एक प्रभाव करने के लिए हमको ये सारे काम करने पड़ेंगे। मैं तो कुल मिलाकर के यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा एक एफर्ट, एक प्रयत्न आज ये हुआ है। इसमें सब लोग, जितनी चर्चा हुई है उसमें से एक उत्साह लेकर के सब जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने तरीके से जो जो आपके मन में आया है या दूसरों ने भी सुझाव दिए हैं हमारे लिए अगर उपयोगी हैं तो हम उसको जरूर लागू करें। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियाँ जो हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दे रही है और भारत के सभी राज्यों में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रृंखला में उतार रही है और प्राकृतिक खेती के तहत 300% से अधिक की वृद्धि करके इसके अधीन 6000 एकड़ क्षेत्र से 25000 एकड़ क्षेत्र को लाया जाएगा। इस प्रयास से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।